दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल के बाद अब डिजिटल युग आ गया है। अब हम सब डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। हम अपना काम जो है वो जल्दी से जल्दी एक क्लिक में करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी एक तबका ऐसा है जो इतना टेक्निकली साउंड नहीं हुआ है और उसको लगता है कि नहीं, फिजिकली जो काम अच्छे से हो सकता है वो डिजिटली या फिर ऑनलाइन या ई कॉमर्स के ज़रिए इतना अच्छे से नहीं हो सकता। जबकि लेन देन हो पैसों का या फिर कहीं भुगतान करना हो, ये तमाम चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। आज हम आपको डिजिटाइजेशन के वही फायदे बताएंगे और बताएंगे कि डिजिटाइजेशन आने वाले युग में किस तरह से डोमिनेट करेगा, हम सबको डोमिनेट करेगा, और कितना ज़रूरी है हर किसी का डिजिटाइज्ड होना और कितना आसान है, कितना फ़ायदेमंद है। इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमेशा कहती हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं, कोई भी सवाल हो आप हमारे से ज़रूर पूछिए, सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा वीडियो के जरिए। तो चलिए आज डिजिटाइजेशन की बात करेंगे। अच्छा, डिजिटाइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि किस तरह से हर चीज़ को इस तरह से बहुत ज़्यादा अपडेट किया जाए, इतना ज़्यादा टेक्निकली अपडेटेड हो सब चीज़ें कि एक क्लिक की दूरी में आपको हर चीज़ मिले। यानी कि अगर आपको आज शॉपिंग करने का मन है लेकिन आपको पता है बाहर कोरोना है तो आप नहीं जा सकते, एक क्लिक किया और आपके सामने पूरी शॉपिंग की लिस्ट आ जाएगी कि आपको क्या लेना है, कितने रेट में क्या कुछ बिक रहा है, किस पे डिस्काउंट है, किस पे सेल है, ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि भारत में डिजिटाइजेशन कितनी आसान लगती है और कितनी मुश्किल। डिजिटाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि कैसे हम अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं को तकनीकी रूप से इतना विकसित करें कि वो आसानी से सबको उपलब्ध कराई जाए। अब दूसरा पहलू है वो ये है कि आधुनिकीकरण, जाहिर सी बात है डिजिटाइजेशन और आधुनिकीकरण दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं। तो क्या चीज़ें आधुनिक हुई हैं? रोबोट, स्वचालित कारें आदि तो बहुत ज़्यादा आगे की बात है, इतना दूर मत जाइए, अपने बिजली के बिल को ही ले लीजिए। पहले लंबी कतारों में लगकर आप पे किया करते थे, आज घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आपके पास है। यही नहीं, आज दुनिया के शॉपिंग करने के तरीके में भी बदलाव है। अब लोग दुकानों पर कम जाते हैं, दुकानें उन तक ज़्यादा पहुँचती हैं। इस पूरे प्रोसेस में दुकानदार के लिए भी कई सारी चीज़ें आसान हुई हैं और ख़रीदार के लिए भी। जी हाँ, हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की, ये भी डिजिटाइजेशन का एक तोहफा है जिसने बिजनेस की दुनिया आसान की है। तेजी से बदलती तकनीक ने लोगों का जीवन काफी आसान बना दिया है। लोग भी अब आधुनिक से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपना समय और मेहनत दोनों बचाना चाहते हैं। आज इंटरनेट पर जानकारियों का भंडार है, लोग आज पहले से ज्यादा जागरूक हैं और दुनिया से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मन में कोई भी परेशानी हो या कोई भी शंका हो तो किसी एक्सपर्ट को खोजने की जरूरत नहीं है, बस इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आपके सवालों के करोड़ जवाब मिल जाएंगे। ये भी जान लेते हैं कि डिजिटाइजेशन से आसानी कितनी हो गई है, जिंदगी कितनी आसान लगने लगी है। आजकल लगभग सभी के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि है, ये सब अब जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सस्ते और हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता ने इंटरनेट चलाना लोगों के लिए आसान कर दिया है। वहीं इंटरनेट पर मौजूद अनगिनत सुविधाओं ने लोगों की जिंदगियां आसान बना ली हैं। अगर हम एक एक करके डिजिटाइजेशन से आसान हुई चीज़ों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है संचार यानी कम्युनिकेशन। लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स का दौर आपको याद होगा, पर यकीन मानिए आगे आने वाली पीढ़ियां इन्हें नहीं जान रही होंगी। हालांकि हाथ में लिखे लेटर्स और कार्ड्स की बात अलग थी, लेकिन लोगों तक पहुंचने में समय, रास्ते में खो जाने का डर और इनको खरीद कर पोस्ट करने तक का समय आदि, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाती थी। हालांकि कम्युनिकेशन में डिजिटाइजेशन आने के बाद से सब चीज़ें आसान हो गई हैं। ई लेटर्स, ईमेल्स, कार्ड, ये सब पलक झपकते ही अब एक दूसरे तक पहुंचाए जा सकते हैं। यही नहीं, फोटो, वीडियो आदि भी अब आसानी से साथ में अटैच की जा सकती है। और कहीं ना कहीं बिजनेस पर डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बिजनेस का प्रचार भी इस युग में आसान हुआ है। पहले कारोबारियों के लिए अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब सोशल मीडिया की मदद से आसान हो गया है। अपने बिजनेस की वेबसाइट या पेज बनाकर उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पैसे देकर भी इंटरनेट, टीवी आदि पर अपने विज्ञापन चलवाए जा सकते हैं। कह सकते हैं कि लोगों के डिजिटल होने से उन तक पहुंचना पहले की तुलना आसान हो गया है। डिजिटाइजेशन ने हमारा घूमना फिरना भी आसान किया है। जहां पहले किसी अनजान रास्ते पर दिशा पूछने के लिए राह चलते लोग हमारा सहारा लेते थे, अब तकनीकी उन्नति से हमें ये नया साथी मिल गया है। गूगल मैप्स ऐप द्वारा दुनिया भर के छोटे बड़े सभी रास्ते मौजूद हैं जो हमें आगे आने वाली मंजिल और रास्तों के बारे में अपडेट करते हैं।
आज हमने इतनी तरक्की कर ली कि खोई हुई वस्तुओं का पता भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगा सकते हैं। चाबियां, बटुए, मोबाइल आदि कुछ ऐसी चीज़ें छोटी मोटी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहद महत्वपूर्ण हैं। छोटी हैं इसलिए खो जाती हैं, पर महत्वपूर्ण हैं इसलिए इनका खोना हमें भारी पड़ सकता है। आजकल प्ले स्टोर पर कई ऐसे ऐप मौजूद हैं जिनसे आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से वापस पा सकते हैं। और हम सब जानते हैं YouTube के ज़रिए, अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमें अपना टैलेंट और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने में मदद मिली है इस डिजिटाइजेशन से। नई स्किल सीखना भी हुआ आसान, चाहे कुकिंग हो या ज़िंदगी को आसान करने वाली कोई नई तरकीब। अगर कुछ भी सीखना हो तो इंटरनेट पर ढेरों आर्टिकल्स और वीडियोज़ उपलब्ध हैं जो आपको आपका हुनर बढ़ाने में मदद करेंगे। इस लॉकडाउन में लोगों ने इंटरनेट को कुकिंग, कढ़ाई, पढ़ाई, प्रोफेशनल कोर्स आदि जैसी चीज़ें सीखने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया। आजकल तो स्कूल कॉलेजेस भी पढ़ाई लिखाई के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का खूब उपयोग कर रहे हैं। बच्चे भी असाइनमेंट के लिए इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। डिजिटाइजेशन से एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण काम आसान हुआ है, वो है जानकारियाँ सेव करना और उन्हें फिर से देखना। पहले ज़रूर जानकारियाँ बही खाते आदि कॉपी किताबों में दर्ज किए जाते थे, हालांकि कुछ जगह आज भी ऐसा होता है, परंतु डिजिटाइजेशन के इस नए युग में अब वो दिन दूर नहीं जब धूल खाती फाइलें, फाइलों से भरे कमरे आदि सब पुरानी बातें हो जाएंगी। अब ज़्यादातर ऑफिस और कारोबारी डिजिटल हो रहे हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन का इस्तेमाल अब बढ़ गया है और रिकॉर्ड डिजिटली स्टोर किए जा रहे हैं। प्ले स्टोर पर इसके लिए भी ऐप उपलब्ध है, आसानी से मुफ्त डाउनलोड किए जा सकते हैं। एक ऐसा ऐप है ओके क्रेडिट। अब जानकारियों के भंवर में से अपने काम की जानकारी बिना सर खपाए निकालने में काफ़ी आसानी हो गई है, और साथ ही अपने बही खातों का एक स्थायी रिकॉर्ड रखना भी आसान हुआ है, जिसके खो जाने या चुराए जाने का कोई डर नहीं है। डिजिटलाइजेशन के फायदे। ऑफिस या कारोबार के अलावा आम जिंदगी में भी लोग अब डिजिटल हो रहे हैं। मोटी मोटी एल्बम्स की जगह अब स्मार्टफोन या कैमरा के डिजिटल एल्बम ने ले ली है। इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि अब लोगों की नई लाइब्रेरी है, जिसे आसानी से कहीं भी कभी भी देखा जा सकता है। स्टोरेज की भी कोई कमी नहीं है, जितना चाहे उतना स्टोर करें। इस डिजिटल युग में काम करने के तरीके में भी बदलाव आया है। आजकल लोग वर्चुअली एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, मतलब ये कि अब एक दूसरे को महसूस करने के अलावा बाकी सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। इस कोरोना काल में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का दौर जोरों पर है, आप घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से अपने ऑफिस या प्रियजनों से कनेक्ट कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन ने लोगों के कामकाजी जीवन में लचीलापन लाया है, साथ ही लोगों का अकेलापन भी कुछ हद तक दूर हुआ है। डिजिटलाइजेशन के इस युग में जिस मोड़ पर हम हैं, वो कभी कभी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही इस दुनिया का सच है। आने वाला युग पूर्णतः डिजिटल है और पिछले सदियों की तुलना में बेहद आसान भी। तो कुल मिलाकर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी शायद इतनी ज़्यादा डिजिटाइज नहीं हूं और मैं भी कतराती हूं लैपटॉप यूज़ करने में, मोबाइल के ज़रिए चीज़ें खरीदने में। लेकिन अगर एक बार आपको इसका चस्का लग जाए ना, तो आप अपना जो पेन, पेंसिल या फिर बाज़ार में जाके शॉपिंग करना या फिर नकद में पैसे देना या लेना, ये लेन देन आप बिल्कुल भूल जाएंगे। क्योंकि ओके क्रेडिट ऐप भी अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं और ओके क्रेडिट ऐप में भी जो फीचर्स हैं वो आप अपनाते हैं, तो ये बात पक्की है कि बही खाता या फिर पेन या इतने बड़े बड़े रजिस्टर्स में आप किसी भी तरह का जो भी नोट डाउन आप करते थे वो एकदम भूल जाएंगे और आपको ओके क्रेडिट की एक तरह से लत लग जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगी और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कौन सा वीडियो आपको देखना पसंद है और किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।